पत्थर के नीचे दबा हुआ है। जितनी शक्तियां लगी है देश को बचाने के लिए, अगर इस समय सरकार अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये मान लेना कि 90% अब हम लोगों की बस की बात नहीं है। इसलिए अनुमान के साथ में कलाकार कहीं कहीं पर बात दया करता है। जो वैक्सीन लग रही थी, जो हिंदुस्तान का मसीहा है, जिस पर ये हमारी समाज नाच करती है, अभी कल का प्रमाण मिलता है। हमारे जगतपुर में एक कुशवाहा पूर्व प्रधान थे, वैक्सीन लगी थी, जैसे उसे पागल कुत्ता काट लिया है, उसकी हाजिर वैक्सीन के द्वारा जब मर्ज से हाजिर हुआ वो आदमी वैक्सीन 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 गाँव के 4-6-10 लोग आ गए, यह कहती हुआ कहती करवटिया बदलत बदलो वैक्सीन वैक्सीन राम राम सीता राम। ऐसे सरकार के जनता को मारने के लिए ऐसा ऐसा कहानी हुआ है। क्या विकास करोगे? जितने हमारे उनके जो आदमी है माफिया गुंडा, उन्हें खुलेआम छोड़ा जा रहा है। कोई आदमी कोई गलत कर रहा है तो बिना नाहक उसका मकान टुकड़ा उसे जेल के अंदर भरा जा रहा है। ये तानाशाही हिटलर की सरकार कब तक चलेगी? ये जनता ने आपको अगर बैठाया है तो जनता की अदालत है, उतार करके नीचे भी आपको कर देगी। इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीति का पहलू नहीं है। साथी मंच विकराल भंडारे का है ये, हमारी माता बहनों का थोड़ा सा तो लाइन का भाव सोहर का लाइन, उसके बाद 2 मिनट का गीत होगा। कैसे ओ गावल इनका हाय 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 कहाँ बहिनी तोहारे ताजन गुरु होते हैं, लेकिन हमारी माता बहनों का कोई गुरु होता नहीं। हाथ में हाथ जब जंजीरी के नहीं फसाई ले थे तो अपने आप गीत प्रकट हो लागत है। हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के खाटिक शोहर है तो लाइन के मास्टर साहेब वो कैसे गावती है हाय कहे मोरे लल्ला ना गीत गाती है। गाने के बाद एक बड़ा नजर बड़ी पक्की रहा था मास्टर साहेब, कहन लड़का तो हुई जब लड़का बड़ा होन हारवन नदिया ठनगन मचाई दे कहे ठन्नी चवन्नी भौजिया देत रहे कहा इतने में काम चले वाला, ये तो हमारे सौर के पुताई भरे के नहीं भा, ये हमका जब तक गरे के हार न देबू तब तक हमार तो हार पटरी खाए।
ए भैया इधर तो बात हो ही गई, लेकिन जब सखी सहेली जुटे थी कहे लड़कवा पोड़ा के का तो वह समय कहना है कहे आखी आता ये न कर जैसे माई कने कुरावा इनके बापू कने कुरावा कहें आखी तो जैसे माई कहा मोहन कुरा तो जैसे बाबू को परा लड़कवा बड़ा सुधर बड़ा प्यार हो लेकिन कहे लड़का के समय के कोने कोने समय खिलावत बस आखिरी लाइन के भाव है माता साहेब बाजी करो में खाली इशारा है कैसे सासू जी खिला पुराने कहीं कब कहने इच्छा करा कि अम्मा खाली हो ले जाए के लड़कवा अम्मा के पकड़ाई दी है अम्मा अपन नाची खिलावत एकदम मस्ती आए भरैया का टाइम में अदुपारिया में नदिया ले के मेरे भैया खोरेलवा ले के यह कदवा करके चम्मचा चटवा लेके रतिया 12 बजे के कलम लागत मासे से मोरे रामा राजा जी खिलावई सारी नातिया हो लुटावई साथियों ये तो आप सबके आनंद मनोरंजन के बात रहे 2 मिनट का 3 मिनट का गीत आप सबके बीच में और है जैसा कभी आप लोगों ने भाई हमारे बच्चा लाल यादव जी के मुखार बिंदो से सुना कि पाप कई जगह गह है कहाँ जाता है और कहाँ मंडराता है कहाँ आज बसेरा ले तो भाई धरा ऊपर धारा ऐसन बही जाए जो हमें क्यों न रहा है तो हमें पापा ही नहात पाप नहात नहात तो उदय दिहन बादल के बादल ले आए के धरती पे कुल पाप के भागीदार कुल मनाई फिर भाई भाई वही पाप के पानी से धान गेहूं बजरी ऊख लड़हरा सब हो इंसान खाई तो पाप के अधिकारी फिर हो जाए जब पाप खाई तो पाप फिर करवाई कर पाप उतर संस्कार हमारे राजेंद्र भाई प्रभु ने ऐसी जिज्ञासा किया अगर इच्छा न प्रकट होती तो आज अपने पिताजी को तीर्थ स्थान पर ना पहुंचाते अगर इच्छा न होती तो आज विकराल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया साथियों अगर इच्छा न होती तो कोई काम होने वाला नहीं मान लो जो बलवार में 16% दे दी जो करे खाइन के नहीं आटे बजे दिन काटे वो 5% टेका दे के पाप आधा 16 करी एक लाइन का धमा से साहब कि दुश्मन मिले सवेरे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर दो सका सबका जोड़ा बनाया है दिन बनाया है रात बनाया है
मर्द बनाया है, नारी बनाया है, सबका जोड़ा मालिक ने लगाया है। इस लाइट को अभी एक स्थान से आप कच्ची से काट दोगे, तमाम लाइट सब बंद हो जाएगी। लेकिन उस मालिक की जब लाइट चलेगी तो वहाँ न कैंची चलेगा, न फरुहा, न कुदार, वहाँ कोई लाइट चलने वाली नहीं। सुख जो सुख है वही आपका सत्य है, वही आपका लाइलेंट है, और जो दुख है वही तुम्हारा पाप बता रहा है। क्योंकि सुख और दुख चोली और दामन का साथ होता है, क्योंकि साथ साथ अंगुली पकड़ करके चलते हैं बाबूजी। लेकिन तभी कोई इशारा दिया तो पहना हुआ कैसे इच्छा प्रकट न होती। आज हमारे राजेंद्र भाई, मन्नू भाई, पंडा जी, तमाम हमारे दादा लोग, भाई लोग का इच्छा जाहिर ना होता। जितने गांव के हमारी माता बहने ने प्रसाद को ग्रहण किया है वो कृतार्थ हो गई ऐसे महान विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके। हमारे भाई लोग काफी लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया, इसलिए बहुत बहुत से धन्यवाद के पात्र हैं। तभी तो कहना हुआ कैसे इच्छा प्रकट होती सत्पुरुष का मनवाना होता। साथियों बड़ी कीमती बात है आप लोग को भी बीच में सुनने को मिलेगा। इच्छा प्रकट न होती सत्य पुरुष का मनवा ना होता। अगर यहाँ सत्य ना होता, इच्छा न प्रकट होती तो ये भंडारा ना होता। कि इच्छा प्रकट न होती सत्य पुरुष का मनवा ना होता। होती आद्या माता न होती आदि शक्ति देवतल का यवनवा न होता। शक्ति देवतन का अवनवा ना होता। अगर याद शक्ति माता जी ना होती तो धरती पर देवताओं का आगमन होने वाला नहीं था। ये बाबू कि न होती याद शक्ति देवतन का अवनवा ना होता। न होते ब्रह्मा ज्ञानी जोन ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी पूछत रहे कि पाप कहाँ चाहत हो, कैसे हो ई पाप। कि न होते अत्या माता देवतल का यवनवो न होता। न होते ब्रह्मा ज्ञानी न होते ब्रह्मा ज्ञानी मानव का जन्म वाना होता। न होते साथियों, अगर ब्रह्मा जी ना होते तो मृत्युलोक की धरती पर मानव का जन्म होने वाला। क्योंकि भाग्य रचयिता ब्रह्मा जी, पालनहार विष्णु महाराज और विनाशकर्ता जा शंकर भोलेनाथ, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। बाबू जी सृष्टि की रचना तो हो गया, मानव की उत्पत्ति तो हो गई है, लेकिन अभी नारी और मर्द का मिलन बाकी रह गया। मर्द तो धरती पे आ गया, ब्रह्मा जी ने
मर्द का अवतार हो गया। लेकिन कभी तो कहना हुआ कैसे पर ना होते धरा पर तो भक्ति रचना होने वाली आज जिस भक्त और मानव का मिलान होता है सृष्टि की रचना आगे बढ़ती है बाबा। तो सम्मानी हमारे अनुज भाई आदर्श यादव जी वो खरग राज के पूर्वा की धरती की तरफ से क्या व्यवस्कार माता रानी हर एक मोर पुत्र की ने यही कामना करते हैं बाबू जी कैसे न होते काल निरंजन सुंदर भगर चनवा ना होता ए बाबू भक्ति रचना तो हो गई कि न होते भोला दानी होते भोला दानी मंगल के पूजन पाना होता होते भोला दानी लिंगन का पूजनवा ना होता। अगर अदास शंकर भोलेनाथ ना होते तो मृतलोक में लिंग की पूजा होने वाली नहीं। जब लिंग का पूजा ना होता तो लिंग और भक्त का जब मुलाकात ना होता तो सृष्टि पर रचना कैसे होती। ए बाबू भाव स्पष्ट है, एक लाइन का भाव और आप सबके बीच में है कैसे भागीरथी न होते भागीरथी तो गंगा का यवन बना होता अपने 60,000 पुरखों को तरन तारण करने के लिए ब्रह्मा